राम राम दोस्तों, 1 नवंबर 1966 ने अपना हरियाणा बनया और उसका अगले दिन 2 नवंबर ने ताने मिलने शुरू हो गए, मजाक होना शुरू हो गया, आंगा दिंगी करके अलग राज्य तो बना लिया। इस जनता का पेट कुकर पालोगे? पर दोस्तों शायद वह मजाक करनी भी गलत नहीं थे, क्योंकि राज्य की हालत ही कुछ इसी थी। तो आज इस वीडियो में आप देखेंगे वह कौन सी इसी हालत थी कि राज्य ने गरीब किया जा करता और फिर क्यूकर हरियाणा इन हालात तक लड़के ना सिर्फ गरीब भी था बाहर निकला, बल्कि आज देश के टॉप 5 अमीर राज्य में आके खड़ा हो गया। आओ देखे दोस्तों, यह वीडियो अपने हरियाणा की बैकवर्ड ते फॉरवर्ड बनन की कहानी से, तो मैं उम्मीद करूं कि आप इस वीडियो में देख के पाछे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगाओगे और अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर भी शेयर करोगे। उस टाइम हरियाणा के सामने 3 मेन समस्या मुंह बाए खड़ी थी। पहली चुनौती थी पीछा की। हरियाणा के जो सरकारी कर्मचारी थे उनकी तनख्वाह थी 145 करोड़ रुपए कितने लिया हुआ है। दूसरी दिक्कत थी अनाज की, अनाज नहीं पैदा होया करता तो लोगों ने के खुआवे। और जो तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत थी वह थी रोजगार की। 1966 में हरियाणा में सिर्फ 15 लाख हेक्टेयर की धरती ही थी जिस पर अनाज उगाया जा सका था। बाकी जो धरती थी उस पर पानी की सप्लाई नहीं थी, तो वह अनाज उगाने लायक भी नहीं थी। और राज्य में इतना कम अनाज उत्पन्न होया करता कि राज्य की जनता का भी पेट भरना मुश्किल था। फिर हरियाणा में दौर आया नहरीकरण का। गांव गांव तक नहर पहुंचाई गई, ट्यूबवेल लगवाए गए और साथ साथ में हरियाणा वाले ने नेशनल इंटरनेशनल लेवल की अनाज उगाने की नई नई तकनीक भी अजमाई। और उस तक होया के एक तो हरियाणा ने आज तक अपनी जो 15 लाख हेक्टेयर की भूमि थी वह 30 लाख हेक्टेयर कर दी। और दूसरा, जिस राज्य में खान का अनाज भी नहीं होया करता आज वो राज्य 17% प्लस पर बैठ सरप्लस पर बैठा है। यानी जो हम अनाज उगावा अपने राज्य थी वो तो मरदूरा है 17% हम सेंटर ने भी देवे हैं। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूरे देश का 60% एक्सपोर्ट बासमती राइस का सिर्फ अकेला हरियाणा करा है। और हरियाणा देश का वो पहला राज्य है जिसने अपने हर एक गांव में सबसे पहले बिजली पहुंचा दी है। साल 1966 में जिस हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम सिर्फ 608 रुपए थी, आज उस हरियाणा की पर कैपिटा इनकम बढ़ कर 2,90,000 रुपए पहुंच गई है और हम टॉप 5 में है। और जिस पंजाब तक हम अलग हुए थे, ध्यान तक सोने की बात है, उस पंजाब की प्रति व्यक्ति आय बस 1,85,000 है। दोस्तों हरियाणा तक भगवान ने एक नेचुरल बेनिफिट भी दे रखा है कि हरियाणा का जमा लग दी दिल्ली से। जब दिल्ली में भीड़ बहुत बढ़ गई और नेशनल इंटरनेशनल कंपनी ने बाहर निकलने की सोची, तो उन्हें और कोई नहीं सिर्फ मारा हरियाणा दिखा, क्योंकि हरियाणा एक शांत राज्य था, गुंडागर्दी नहीं थी, बाहुबली वाला सीन नहीं था। तो जो बिजनेसिस हैं उनका ट्रस्ट हरियाणा पे बिल्ड होया और सोने पे सुहागा दोस्तों यो होया कि हरियाणा के कुछ जिले NCR रीजन में आगे, जिस तरह हरियाणा के जो जमीन की कीमत थी वह आसमान छूगी। उसके बाद 1984 में दोस्तों हरियाणा में एक बहुत बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आई, जिसके देखा देखी और भी बहुत सारी कंपनी आ गई। और यह सबसे पहला आने वाली कंपनी वह थी जिसकी गाड़ी एक बार आपके परिवार ने पक्का खरीद रखी होगी, मारुति। और आज के टाइम दोस्तों हम सब हरियाणा वाले अपनी पीठ थपथपा सके हैं, क्योंकि 50% सारे देश के ट्रैक्टर हरियाणा में बने, 70% पैसेंजर कार हरियाणा में बने, 60% मोटरसाइकिल हरियाणा में बने। दोस्तों आज उस हरियाणा में जिसका कदे मखौल उड़ाया गया था, लगभग छोटी बड़ी नेशनल इंटरनेशनल 1.5 लाख के करीब कंपनी रजिस्टर है। और ना मैं सिर्फ हरियाणा ने रोजगार दे रही है, बल्कि देश वाले ने भी, और बहुत सारी कंपनी तो विदेशों में भी इम्प्लॉयज को बुलाकर नौकरी दे रही है। और गुड़गांव फरीदाबाद जो IT के हब बनकर देश दुनिया में चमके हैं, यह बात तो किसी तक छिपी सही नहीं। दोस्तों और भी कोई फैक्टर अगर हो जिसने हरियाणा की प्रगति में योगदान दिया हो और इस वीडियो में मैंने नहीं कहा हो, तो आप उसने कमेंट मार के बता दियो। आपने यह हरियाणा की प्रगति वाली वीडियो देख कर किसा लग गया मैंने कमेंट करके बताइयो। मैं गौरव मान, यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।